भाइयों और बहनों, कांग्रेस देश की सुरक्षा पर ही नहीं, हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग पर प्रहार करने के सपने भी पाल रही है। दो दिन पहले ही ये नामदारों के गुरु, इनके मार्गदर्शक, जो विशेष रूप से उनको जिताने के लिए अमेरिका से आए हैं, आने के बाद उनको पता चल गया है जिताने की बात छोड़ो जमानत बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े अहंकार के साथ टीवी के सामने ऐसी बातें की, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है। आप सब चौंक जाइए, जाग जाइए, इनके गुरु ने जो कहा है इसको लाइट मत लीजिए। उन्होंने कहा है, मिडिल क्लास को धमकाया है, धमकाया। उन्होंने तो यहां कह दिया, मिडिल क्लास स्वार्थी है, मिडिल क्लास लालची है, और कांग्रेस सोचती है कि आप अगर देश के लिए कुछ नहीं करते और सिर्फ मिडिल क्लास खुद का ही भला सोचता है। ये कांग्रेस के मुखिया टीवी के सामने बोल रहे हैं, और इसलिए आप पर, देश के मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़ाना, टैक्स लगाना, ये कोई गुनाह नहीं बनता है। ऐसी सोच से आप सहमत है क्या? ईमानदार मध्यम वर्ग को इस प्रकार से कुचलने की बातें आपको मंजूर है क्या? क्या देश के मध्यम वर्गीय समाज को खत्म करके देश चला सकते हैं क्या आप? अरे भाइयों बहनों, हमारा मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है जो कानून को मानता है, ईमानदारी से सरकार को जो भी देना पड़ता है वो देने में कभी चोरी नहीं करता है। भाइयों और बहनों, आज करीब 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, तो उसके पीछे ये हमारा ईमानदार करदाता है, हमारा मध्यम वर्ग का परिवार है। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो वो भी हुआ है ईमानदार करदाताओं के कारण, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों के कारण। 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिला है, तो वो भी ये ईमानदार करदाताओं के कारण मिला है, मेरे मध्यम वर्गीय परिवार की उदारता के कारण मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को अपना शौचालय, ये ईमानदार करदाताओं के कारण संभव हुआ है। करोड़ों गरीब परिवारों को सस्ता राशन मिल पाता है, 2 टाइम वो पेट भर खाना खा सकता है, ये इन्हीं ईमानदार करदाताओं के कारण संभव है। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड हो, बाबा केदार के पवित्र धाम का पुनर्निर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण हो, ऐसे हर काम इसलिए हो पा रहे हैं कि ईमानदार करदाता देश के खजाने में पैसा डालता है। लेकिन कांग्रेस को यही ईमानदारी तो मुसीबत कर रही है, यही ईमानदारी से उनको नफरत है, जिसका शीर्ष नेतृत्व ही टैक्स छुपाने का आरोपी है, उसको
टैक्स देने वाले ईमानदार मध्यम वर्ग के लोग स्वार्थी लगेंगे और ये भाषा हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग कभी स्वीकार नहीं करेगा।